आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अपने इस पे यारिंग संभारा है जोगिया बाबा के दरबार बार ठहत घर बार बार। और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हम रोज किसी न किसी मुद्दे पे जनता के बीच आके उनसे बातचीत करते हैं, उस मुद्दे पे जनता की राय लेते हैं। आज का मुद्दा है नेहा सिंह राठौर का गाया गाना यूपी में काबा सीजन 2। इस गाने के बाद से लगातार नेहा सिंह राठौर विवादों में बनी हुई हैं। अगर देखा जाए तो नेहा सिंह राठौर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बिहार में जन्मी, बिहार से ताल्लुक रखने वाली ये लोक गायिका उत्तर प्रदेश में पली बढ़ी और अम्बेडकर नगर में इनकी शादी हुई। लगातार वो अपने गानों के माध्यम से सरकार पर कटाक्ष करती हुई देखी जा सकती हैं। और अभी फिलहाल कानपुर देहात में हुए बुलडोजर कांड के बाद उन्होंने अपना गाना यूपी में काबा सीजन 2 लॉन्च किया, जिसके बाद वो लगातार चर्चाओं में बनी है, विवादों में बनी है। दरअसल वाकया यह है कि नेहा सिंह राठौर के गाने यूपी में काबा सीजन 2 पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें नोटिस थमा दिया है। और इस नोटिस में बाकायदा उनसे जवाब मांगा गया है कि क्या ये गाना लोगों को देखते हुए लिखा गया है, क्या ये गाना आपके संज्ञान में लिखा गया है। और इस तरीके से देख सकते हैं कि इस गाने के बाद लगातार नेहा सिंह राठौर घिरी हुई हैं। तमाम तरह की चर्चाएं नेहा सिंह राठौर को लेकर चलती रहती हैं। इसके पहले भी जब उत्तर प्रदेश सरकार का पहला कार्यकाल था, पहली बार सरकार चुन के इतने दिनों बाद आई थी, योगी सरकार के पहले कार्यक्रम में कोरोना महामारी के आसपास उन्होंने सीजन 1 लॉन्च किया था यूपी में काबा, जिसके बाद सभी लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी थी, कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया था और कुछ लोग जो है उन पर कटाक्ष करते नजर आए थे। बात की जाए मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने बकायदा अपने कार्यालय में इस गाने को चलवाया था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस गाने को खूब इंजॉय करते हुए देखे गए थे। लेकिन अब इस गाने के सीजन 2 यूपी में काबा सीजन 2 आने के बाद से लगातार चर्चा के विषय में नेहा सिंह राठौर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बकायदा नोटिस थमा दिया है। नोटिस थमाने के बाद नेहा सिंह राठौर से जवाब मांगा गया है। बदले में नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा और लोगों ने इस मुद्दे पे क्या प्रतिक्रिया दी, आइए आपको सुनाते हैं। बाबा के दरबार बार ठहत घर बार बाबा के दरबार बार ठहत घर बार अधिकार सेना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेहा सिंह राठौर को भेजे गए नोटिस की घोर निंदा करता है। हमारा यह मानना है कि यह नोटिस पूरी तरह अवैधानिक है और साथ ही मौजूदा सरकार की मानसिकता को पूरी तरह सामने लाता है। अधिकार सेना का एक प्रतिनिधिमंडल आज ही उनके ससुराल अंबेडकर नगर में जाकर उन्हें सम्मानित करेगा और उनकी हौसला अफजाई करेगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं, आपने तमाम बयानों को सुना देखा और लगातार नेहा सिंह राठौर चर्चा में बनी हुई है, या यूं कहें कि विवादों में लगातार घिरती जा रही है। इस समय हम दारू सफा पे खड़े हैं, गेट नंबर 1 है ये, और यहाँ पे तमाम लोगों की आप उपस्थिति देख सकते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव जी मौजूद है। और सबसे बड़ा मुद्दा हम लेके आए हैं इस समय कि नेहा सिंह राठौर को आप जानते होंगे। देखिए, आज इस सरकार में कलम पर पहरा है। जितने भी पत्रकारिता जगत में लोग काम करने वाले लोग हैं, अभी देखा होगा जिस तरीके से विधानसभा के अंदर हमारे पत्रकार और मीडिया साथियों को जिस तरीके धक्का मुक्की किया गया, जिस तरीके को पीटा गया, ये आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला दिन था। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो लोग भी हैं, जो भी लोग हैं, कम से कम उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब हमारे देश की मीडिया आज़ाद नहीं रहेगी, जब उनके लव आज़ाद नहीं रहेंगे, जब उनकी बात आज़ाद नहीं रहेगी, जब उनके कलम पर पहरा रहेगा, तो क्या करेंगे लोग। तो सवाल यह है, अगर बहन नेहा ने अगर एक इतना खूबसूरत गाना गाया है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मिर्ची क्यों लग रही है, सवाल यह है। और मैं कह रहा हूँ, अगर आप अगर सरकार
अगर सही बातों को सुनने से गुरेज उसको है तो सरकार क्या करना चाहती है। अब उन्होंने जो गाना गाया है, उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में जो घटना घट रही है उसके परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उन्होंने गाना गाया है, तो उसमें गलत क्या है? आप खुद सोचिए कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ था कि जब शासन प्रशासन के सामने एक माँ और बहन को जिंदा जला दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जो नेहा जी ने गाना गाया है इसमें निश्चित तौर से जो सरकार द्वारा नोटिस जो दी गई है सरासर गलत है और लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। गाना आपने सुना है क्या? आपने गाना सुना है क्या? जी गाना मैं सुना है मैंने। अब उन्होंने लिखा है कि भाई यूपी में का बा, मतलब यूपी में क्राइम बा, आई थिंक ये सब गाने हैं। और मैं शायद तो आपने कहा लगा था का बा यूपी में वाकई क्राइम है? आप बताओ, महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, कस्टोडियल डेथ में नंबर वन है, संगठित अपराध में नंबर वन है, साइबर क्राइम में नंबर टू है। आज के समय अगर आप देखें पुलिस को लेकर के, अभी बजट आपने देखा होगा, पुलिस तंत्र को लेकर के अगर हमारी पिछली सरकार ने, हम लोगों ने डायल 100 लेके आए, हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय बनाया, हम लोगों ने 1090 हम लोग लेके आए, और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने तो एक भी काम करने का काम नहीं किया। आज आप सोचे आप बताइए, आपने गाना सुना होगा नेहा सिंह राठौर का यूपी में काबा। अच्छा नहीं, आप बताइए कि आपने गाना सुना होगा यूपी में काबा, कैसा लगा आपको गाना? ये गाना जो है नेहा राठौर जी ने गाया है ये बहुत सही गाया है, क्योंकि यूपी में जितना बड़ा अपराध है, और ये भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे, माँ बेटियों को जिस तरीके से कानपुर में जलाया जाता है, और उस गाने के माध्यम से वह बताती हैं कि यूपी में काबा, ये माँ बेटियों को जलाने वाली बात तो गाना बनाकर जब गाती हैं तो इनको भारतीय जनता पार्टी को, जो बेटियों की रक्षा करने की बात करते थे, इसके पहले वो नारा लगाते थे बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में, वह दिन कहाँ गया इनका? ये झूठ बोलने में माहिर है और इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, नहर में पानी नहीं है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पर ये बहस नहीं करते हैं। यूपी में काबा गाना आपने सुना होगा, किस प्रकार से आपको ये गाना लगा? नेहा सिंह राठौर ने ये गाना गाया है, सीजन टू आ चुका है, जबकि पुलिस से उसको नोटिस मिल चुका है। कानपुर की घटना के ऊपर उन्होंने ये गाना गाया है और गाना अच्छा है, और इस घटना को पसंद आया आपको? जी जी बिल्कुल पसंद आया। और आगे सुनाएंगे क्या दो बोल? नहीं, मुझे अब गाना तो याद नहीं है, मैंने देखा है उनको नोटिस आया है, तो ये गलत है। उन्होंने इतनी दरिंदगी वाली घटना हुई थी उसके ऊपर गाया है, तो उनको ये नोटिस नहीं आना चाहिए। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा नेहा सिंह राठौर को सपोर्ट किया है। इसके पहले भी जब ये पहला सीजन आया था इस गाने का यूपी में काबा, तो बाकायदा कार्यालय में गाना चलवा के इसको एंजॉय किया था। देखिए लोकतंत्र की ही खूबसूरती है, कम से कम अगर जो हमारी आज के समय अगर देखें मिलियंस फॉलोअर्स हैं नेहा जी के, और उन्होंने इतना बेहतरीन गाना गाया है, तो कम से कम उनको अप्रिसिएट करने के बजाय उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके घर पे उनके सारे रिलेशन में नोटिस दी जा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए, तत्काल प्रभाव से जो भी नोटिस दी गई उसको तत्काल कैंसिल करना चाहिए। ये हमारी मांग है और समाजवादी पार्टी की मांग है। कम से कम आप जो कलम पर पहरा है, अगर हमारे मीडिया के साथी अगर अपनी बात सही से नहीं रख पाएंगे, अपनी संजीदगी से नहीं रख पाएंगे, तो फिर इस देश का क्या होगा? आज सोचो, आज के समय में जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान में, जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश हो रही है, जो भाईचारा है, अमन चैन है, उसको सरेआम उसका पलीता लगाया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सोचिए आज के समय जो सबसे मेन मुद्दा है, जो नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो एग्जाम होता है जो लीक ना होता हो, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, और केवल सरकार जो है केवल हिंदू मुसलमान की बात करती है। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी आप बजट आया है, इन्होंने इन्वेस्टर सबमिट करी है, आप मुझे बता दो इसके पहले दो बार इन्वेस्टर सबमिट हुई है, कहीं भी एक काम धरातल पर आया हो? नहीं, मुद्दे पे आते हैं, जिस प्रकार से नेहा सिंह राठौर को नोटिस दिया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है, इसके बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सपोर्ट में जो है बातें कहते हैं, तमाम लोग जो है इस पे टिप्पणियां करते हैं, तो किस प्रकार से जो है एक आम जनमानस से देखता है, और क्या ऐसी चीजें लोकतंत्र में होनी चाहिए कि किसी भी लोक कलाकार को, किसी भी लोक गायिका के गाने पे जो है वो नोटिस भेज देना, ये कितना जायज है, कितना सही है? देखिए शासन सत्ता के बल पर
जो आज के समय में जो लोग भी निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, जो लोग गायिका हैं, जो लोग अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं जनता के बीच में, उनको दबाने की साजिश हो रही है। उनके खिलाफ आप पूरे देश में माहौल देखिए, जिन लोगों ने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की उन सबके खिलाफ ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, जो हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका। हम आपके पास फिर से आएंगे, हमारे साथ एक लोग कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे पास, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे। आपने गाना सुना होगा नेहा सिंह राठौर का, कैसा लगा आपको गाना? ठीक है, गाना बढ़िया है, गाना गाने के लिए। आपने दोनों सीजन सुने होंगे? हाँ, दोनों ही सुने हैं। जी, तो उस पर नोटिस उनको जो है पुलिस से मिल चुकी है, क्या कुछ कहना है आपको? हाँ, लोकतंत्र के तरीके से गलत है, अगर पूर्ण अधिकार है लोगों का बोलने का, तो वो उन्होंने अगर अपना बयां गाना गा के अगर व्यक्त किया है, दुख दर्द को बताया है, या अपने जबान से उन्होंने अपना एक गाना के तौर पे लोगों को एक मैसेज पहुंचाया है, तो उस तरीके से सही है, लोकतंत्र के हिसाब से सही है। सामाजिक दृष्टि से देखें, सरकार की दृष्टि से देखें, तो ये सारी चीज़ें उन्हें गलत लगी है। उस तरीके का उन्होंने अपना नोटिस भेजा है और उन्हें एक चेतावनी दी है कि इस तरीके का गाना ना गाए, एक गलत मैसेज जाता है। हालांकि एक चीज़ जरूर है कि सरकार को सारी चीज़ों को देखना चाहिए, जिस तरीके के वादे करके आई थी सरकार, पूर्ण बहुमत में आई, दोबारा से आई है, उस तरीके का कोई योगदान नहीं दिया है। फिर भी हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। अब कब तक रहेंगे? क्या नाम है आपका? अभिषेक दीक्षित। कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर देहात का निवासी हूँ। कानपुर देहात का निवासी, जो सरकार जिस तरीके का चलन है सरकार का, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा कि कानपुर देहात से हम जन्मे हैं। और जिस तरीके का कानपुर देहात में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो प्रशासन और शासन के द्वारा दबाई जाती हैं और निरंतर प्रयास किया जाता है, हमारे भाई का भी 2020 में मर्डर हुआ था, जो प्रशासन ने पूर्ण रूप से दबाया है और सरकार ने भी दबाया है, लेकिन फिर भी। अच्छा, गाने सुनते हैं क्या आप? हाँ, सिंगिंग का है, सिंगिंग सुनते हैं। ये गाना आपने सुना है? हाँ, ये गाना सुना है। क्या आप दो लाइनें बोल के हमारे दर्शकों को सुना पाएंगे? गाना तो नहीं सुना सकते हैं, लेकिन गाना के जो उन्होंने बोल बोले हैं, मतलब कि यूपी में काबा और माँ बेटी के लिए जो उन्होंने शब्द बोले, वो उन्हीं के मुंह से अपना सुनने का एक अलग ही आनंद है जीवन में। अब वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में वो पली बड़ी हैं, बिहार में जन्मी, उत्तर प्रदेश में शिक्षा दीक्षा हासिल की, अब शादी करके उत्तर प्रदेश का अम्बेडकर नगर में आई है और उत्तर प्रदेश पर ही सवाल उठा रही है कि यूपी में काबा, तो किस प्रकार से ये चीज़ें जायज है? तंत्र के हिसाब से सारी चीज़ सही है। पूर्ण बोलने का अगर अधिकार है मनुष्य को, तो वो अगर गाना गा रही हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रही हैं। अगर गाना गाने में अगर किसी माँ बेटी के ऊपर अगर शासन प्रशासन को ये बातें सोचनी चाहिए, सरकार को अपने संज्ञान में डालनी चाहिए, जो नोटिस उन्होंने दिया है, इससे बढ़िया तो अगर वो जिले में काम करते, अपने शासन पे और प्रशासन को टाइट करते, उन्हें इधर से उधर करने का प्रयास करते, लोगों को कार्रवाई करने का प्रयास करते, तो सरकार को एक सीखना चाहिए था। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार है और अपना जो भी कर रहा है, और सरकार के साथ ही है, सरकार के विरोध में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो सरकार के साथ हैं और मजबूरी बस साथ हैं, ये हमारा कहना। मुद्दे पे हम तो इस प्रकार से आपने देखा कि जनता जो है इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत कर रही है और नेहा सिंह राठौर का जो गाना है यूपी में काबा सीजन 2। अधिकार सेना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेहा सिंह राठौर को भेजे गए नोटिस की घोर निंदा करता है। हमारा यह मानना है कि यह नोटिस पूरी तरह अवैधानिक है और साथ ही मौजूदा सरकार की मानसिकता को पूरी तरह सामने लाता है। अधिकार सेना का एक प्रतिनिधिमंडल आज ही उनके ससुराल अम्बेडकर नगर में जाकर उन्हें सम्मानित करेगा और उनकी हौसला अफजाई करेगा। तो ये चीजें किया, उस नोटिस में ये लिखा हुआ है, मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग दोबारा से यूपी में काबा का सीजन 2 सुनिए और आप लोग मुझे बताइए कि क्या सचमुच
उस गाने में ऐसा है जिससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है या फिर समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की मैंने कोशिश करी है या फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है। तो आप लोग भी उस गाने को सुनिए, क्योंकि यूपी पुलिस के नजरिए से तो वो गाना जो है ऐसा है कि वो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है ना। तो आप लोग भी सुनिए और मेरे लिए मैटर आप ही लोगों का प्रतिक्रिया करता है कि आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोगों को भी क्या सच में लगता है कि मैंने उस गीत के माध्यम से नफरत फैलाने का काम किया है। तो मुझे आप लोग भी बताइएगा। और उस नोटिस में ये भी लिखा है कि अगर 3 दिन के अंदर मैं उस नोटिस का जवाब नहीं देती हूं तो मेरे खिलाफ जो है उचित कार्रवाई करी जाएगी। इस तरह की चीजें करके मुझे कहीं ना कहीं डराने का काम किया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा डरी भी। पहली बार जब ऐसी चीजें पुलिस और ये सारी चीजें होंगी तो थोड़ा डर तो लगता ही, मैं तो घबरा गई थी। पर हिमांशु है वो काफी वो बड़े धैर्यवान टाइप के, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये चीजें होती रहती है। मैं तो सच में घबरा गई थी, मैं तो कहती कि मिलने भी मत जाइए, कौन लोग हैं, और पुलिस के लोगों को झूठ बोलने की क्या जरूरत, इस तरह से कोई झूठ बोल रहा है, पता नहीं हम गए मिलने कौन होगा, सारी चीजें। तो बाकी हाँ नहीं ठीक है, अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं तो मुझे बहुत वैसी कोई दिक्कत नहीं है। इस आपने देखा होगा कि नेहा सिंह राठौर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, विवादों से घिरती जा रही हैं। उनका एक गाना है यूपी में काबा, जिसका सीजन 2 आ चुका है, उस पर लगातार जो है वो विवादों में घिरता चला जा रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको नोटिस दिया है। तो क्या आपने गाना सुना है? क्या गाना सुना है? उनका गाना नकारात्मक रूप से है, समाज और सरकार दोनों के लिए नुकसानदायक है, वो गाना उनका बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका गाना गाने का औचित्य दूसरे भाव में होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए, सरकार की समीक्षा करने के लिए उनका गाना पर्याप्त नहीं है। किसी प्रकार का उनकी वो गाना सरकार के लिए अच्छा नहीं है यार, उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। उनकी सोच जो है वो निगेटिव है, सरकार की सोच पॉजिटिव है। उनकी सोच में नकारात्मक लोगों का विचारधारा मिला हुआ है, जो असामाजिक तत्वों के द्वारा कही गई बातों को वो बार बार अपने कविता में लोगों को सुनाने की कोशिश करती हैं। नहीं आप गाने सुनते हैं क्या? हाँ गाना उनका हम सुनते हैं, उनका गाना सुनते हैं। हाँ उनको उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं है, इसलिए जो उनकी अपनी निजी उनके समझ में आता है वो बोलती हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का कोई समीक्षा करने की जानकारी उनको नहीं है। सरकार के बारे में, सरकार का विकास के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो अपने निजी बयान को गाने के रूप में व्यक्त करती रहती हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है टीएम सिंह, तालमेल सिंह। कहाँ से आए हैं? हम यहाँ अम्बेडकर नगर से आए हैं। अच्छा अम्बेडकर नगर से आए हैं। बाकायदा जो है नेहा सिंह राठौर पर जो है पुलिस ने नोटिस दे दी उनको गानों को लेकर, उसको कैसे दिया? इसलिए पॉलिटिकल अगर नहीं है तो उनका कोई हक नहीं है, जो गाना गाती हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के बारे में समीक्षा करती हैं, उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो सरकार के लिए ऐसे गाने का प्रयोग करें। वो नोटिस निश्चित रूप से दिया गया है तो जरूरी था। नहीं वो लोक गायिका हैं और तमाम प्रकार के गीत गाती रहती हैं, इस प्रकार से भोजपुरी में भी कई गीत आपने सुने होंगे जो आपको खराब लगे होंगे। सरकार शासन संविधान के लिए कोई गाना नहीं गाया जाता है, ये गाना गाने के लिए नहीं संविधान सरकार होती है। बंद करा दो आप कह के। क्या आप जो है अपराधी मानते हैं नेहा सिंह राठौर को? अपराधी हम नहीं मानते, लेकिन उनका मूवमेंट अपने घर अपने अपने कविता के माध्यम से जो करना चाहती हैं वो सरकार या इसके लिए वो डिसाइड नहीं कर सकती हैं कि सरकार की क्या विकास है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो क्या सिर्फ इस प्रकार के गाने गाए जाए जिसमें सरकार का महिमा मंडन हो, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, सरकार कोई महिमा मंडन नहीं करवाना चाहती, किसी कवि से किसी कवित्री से कोई सरकार नहीं चाहती है कि सरकार की समीक्षा उनके माध्यम से किया जाए। उसके लिए मीडिया सोशल मीडिया चैनल टीवी सारे लोग सरकार के बारे में जानकारी देते रहते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है।
तमाम जो ऐसे साहित्यकार हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर ने खुद ही जो है अपने ही सरकार के खिलाफ कई बार हल्ला बोला था, नेहरू जी के खिलाफ हल्ला बोला था, उस समय ये प्रक्रियाएं नहीं चली थी, लेकिन आज अगर कोई गायिका है, लोक गायिका है, अगर अपने गानों के माध्यम से सवाल कर रही है तो पुलिस एक्शन में आ जा रही, कितना सही है ये? मौखिक रूप से कहना बहुत गलत है, अगर उनको कोई हो तो लिखित रूप से वो सरकार से कंप्लेन कर सकती है, अपनी कोई निजी मामला हो या कोई लिखना हो तो बुक्स लिखे, किताब लिखे, केवल बोलने से, ऐसे हवा में बोलने से कोई उसका मतलब नहीं है, हवा हवाई में कोई मतलब नहीं, उनको बोलना हो तो टीवी के माध्यम से बोलें, चैनल के माध्यम से बोलें, मीडिया के माध्यम से बोलें, न्यूज़पेपर में अपना बयान दर्ज कराएं, न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी बात को कहें, वो गाने के माध्यम से ये दुष्प्रचार है, ये गलत है। नेहा सिंह राठौर ने फेसबुक पे लाइव करके कहा है कि ये जो कार्य हुआ है, ये जो नोटिस आया है वो असंवैधानिक है और मुझसे इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जैसे हम कोई आपराधिक तत्व हैं। सरकार का नोटिस देना, पुलिस को नोटिस देना उचित है, इसलिए उचित है कि हर कोई सरकार का गाना गाने लगेगा, हर कोई संविधान का गाना गाने लगेगा, हर कोई कुछ कहने का, फिर संविधान का, लोकतंत्र का क्या मायने रखता है, जो इच्छा जिसकी है वही व्यक्त करना शुरू कर दे। संविधान ने हमें यह हक दिया है ना कि हम अपनी बात को व्यक्त करें, अभिव्यक्त करें, करने का उसका अलग तरीका होता है, तरीका इनका गलत है। तो ये हमारे साथ जो है वो कह रहे हैं कि ये तरीका गलत बता रहे हैं, नेहा सिंह राठौर के गाना गाने के तरीके को ये गलत बता रहे हैं और साफ तौर पे उनके गाने को असंवैधानिक बता रहे हैं, समाज के लिए खराब बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे जो है वो सरकार का दुष्प्रचार कर रही है जो कि जनता के लिए, समाज के लिए गलत संदेश जाएगा, ये ठीक नहीं है। हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी राय कि कौन जो है इस मामले पर क्या अपनी राय रखता है। तो आप बताइए, आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप बताइए क्या कहना है आपका। आइए, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पे, आप थोड़ा आगे आ जाइए, हमसे बात कर लीजिए, आप बताइए आपको क्या कहना है। ये आपने सीजन 2 देखा होगा यूपी में कहा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? इस पे यही कहना चाहेंगे कि सरकार ने जो किया सब गलत किया है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको आज़ादी है बोलने की, लेकिन जो बोलने के आजादी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आदमी को। तो नेहा सिंह राठौर ने क्या अपनी जो आजादी है बोलने की उसका गलत इस्तेमाल किया है क्या, क्योंकि पुलिस ने तो उनको नोटिस दे दिया है? ये पुलिस की कार्रवाई भारी निंदनीय नहीं है, ये नहीं करना चाहिए उनको। अच्छा, ठीक है ना। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय प्रताप सिंह नाम है। गाने सुनते हैं? गाने का शौक नहीं है लेकिन सुनते हैं कभी कभी, ये कॉन्ट्रोवर्सी में फंसते तब देखते हैं। कौन कौन से गाने आपको अच्छे लगते हैं, कोई तो फेवरेट सॉन्ग आपका है, कोई तो होगा जो सबसे मन पसंदीदा गाना होगा? गाने यानी नहीं सुनते तम। यूपी में काबा सुना है? काबा सुना है ना, सीजन 1 भी सुने हैं। हाँ। जिसमें बोले थे ना यूपी में। हाँ। यूपी तो सीजन 1 बढ़िया था कि सीजन 2 बढ़िया? देखिए सीजन 2 का तो कुछ ही लाइनें देखे थे। हाँ। लेकिन सीजन 1 का हम सुने थे पूरा। हाँ। यूपी में बुलडोजर बा, काबा और ये सब वाला, जिसमें वो सपा प्रवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष, ये सब लोग उनके सपोर्ट में आए थे। ये एक तरीके से बीजेपी को मुद्दा दे दिया गया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर आइए सुनाते हैं कि नेहा सिंह राठौर ने संविधान पर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उनकी राय है, उनके विचार है संविधान पर। तो ये चीजें किया, उस नोटिस में ये लिखा हुआ है, मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग दोबारा से यूपी में काबा का सीजन 2 सुनिए और आप लोग मुझे बताइए कि क्या सचमुच उस गाने में ऐसा है जिससे समाज में वैमनस्यता फैल रही है या फिर समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की मैंने कोशिश करी है या फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है। तो आप लोग भी उस गाने को सुनिए क्योंकि यूपी पुलिस के नजरिए से तो वो गाना जो है ऐसा है कि वो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है ना। तो आप लोग भी सुनिए और मेरे लिए मैटर आप ही लोगों का प्रतिक्रिया करता है कि आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोगों को भी क्या सच में लगता है कि मैंने उस गीत के माध्यम से नफरत फैलाने का काम किया है। तो मुझे आप लोग भी बताइएगा। और उस नोटिस में ये भी लिखा है कि अगर 3 दिन के अंदर मैं उस नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो मेरे खिलाफ जो है उचित कार्रवाई करी जाएगी। इस तरह की चीजें करके मुझे कहीं ना कहीं डराने का काम किया जा रहा है और ऑब्वियस सी बात है मैं थोड़ा डरी भी। पहली बार जब ऐसी चीजें पुलिस और ये सारी चीजें होंगी तो थोड़ा डर तो लगता ही, मैं तो घबरा गई थी। पर हिमांशु हैं वो काफी वो बड़े धैर्यवान टाइप के, उन्होंने बोला कोई बात नहीं ये चीजें होती रहती है। मैं तो सच में घबरा गई थी, मैं तो कहती कि मिलने भी मत जाइए, कौन लोग हैं
और पुलिस के लोगों को झूठ बोलने की क्या जरूरत, इस तरह से कोई झूठ बोल रहा है, पता नहीं हम गए मिलने कौन होगा, सारी चीजें तो बाकी हाँ नहीं ठीक है, अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं तो मुझे बहुत वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं एक बात जो कहना चाहती हूँ और वो ये मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने गीत, मैं पिछले 2.5 सालों से गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ, कोई भी गीत या कोई भी मेरे शब्द ऐसे नहीं है जो जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये आपत्तिजनक है या असंवैधानिक है, ये नहीं होना चाहिए समाज के लिए, ये सही नहीं है, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह का शब्द मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं भारत का संविधान लेकर के बैठी हुई हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो संविधान है मुझे अधिकार देता है बोलने की, पढ़ने की, रहने की, घूमने की, है ना। तो मैं कोई भी काम, मेरा गीत कोई भी गीत वो संविधान के दायरे से बाहर नहीं है और वो संविधान के अंतर्गत ही है। ये संविधान जो है मुझे आजादी देता है, जैसा कि मैंने बताया। बाकी और मैं इसमें आप लोगों को भी मैं बता देना चाहती हूँ कि देखिए किन किन चीजों की मुझे आजादी है और जो गीत मैंने गाया है उसकी आजादी, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं मुझे भारतीय संविधान से मिलता है। इससे पहले मैं वो गीत भी सुनाऊंगी जो गीत मैंने मौलिक अधिकारों के गीत के नाम से रिलीज किया था और उसको भी आप लोगों ने सुना था और काफी पसंद भी किया था। वो गीत संविधान गीत के नाम से, मौलिक अधिकारों के गीत के नाम से था। मैं चाहती हूँ कि वो गीत भी मैं अभी आप लोगों को सुनाऊंगी, लेकिन उससे चाचा नेहा सिंह राठौर का गाना सुन ले हो पे आप यूपी में, का बा कैसा लागल आपके गाना? गाना तो अच्छा है, लोग गायक हैं, अच्छा गाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि समाज की बातों को उभार कर लाती हैं, समाज में या सरकार द्वारा क्या हो रहा है उसको जो है वो अपने उसमें लोकगीत के माध्यम से उसको पिरोती हैं और कहती हैं क्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बताइए। ये बताइए कि उनके गाने पे पुलिस ने नोटिस जो है जारी कर दिया उनके गाने को लेकर और आपत्ति दर्ज कराई है, तो कितना सही है कि किसी लोक गायिका के गाने पे सवाल उठा देना, नोटिस जारी कर देना पुलिस के द्वारा? ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक तरह से पाबंदी है। जो भी पुलिस वाले या अधिकारी लगाए हैं, इस तरह का नोटिस जारी किए हैं या दबाव बना रहे हैं, ये गलत है। भारत लोकतंत्र जो है देश है, यहाँ लोकतंत्र और प्रजातंत्र का राज्य चलता है। कोई भी व्यक्ति शालीनता से कोई भी बात कर सकता है और कभी 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 लोग तो व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात को रखते हैं, तो उस पर इस तरह का कानूनी कार्रवाई करना बहुत ही गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो एक तरह से भारत में जितने लोग उस तरह के समाज के प्रति बोलने चालने वाले हैं, जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ बोलने वाले हैं, या कहीं गलत कार्य हो रहा है या किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनको भी एक तरह से दहशत फैलाने की बात हो रही है कि नोटिस जारी करके, मुकदमा करके उनको परेशान करने का तौर तरीका सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है, ये गलत है। जो भी पुलिस वाले ये कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए उस पर और उन पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह का दहशत क्यों फैला रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जैसे कवि सम्मेलन होता है उसमें कभी भी अपनी बात रखता है, तो इसके मतलब है पुलिस वाले उस पर ऊपर मुकदमा रख दें? भाई कोई लोक गायक अपनी बात लोक गायिका के माध्यम से जो है लोक गायक के माध्यम से अपनी बात को कहना चाह रहा है और कह रहा है, तो उसमें कौन सा गुरेज है? और पुलिस वाले अपने आप अपनी तरफ से FIR करा रहे हैं या अपनी तरफ से नोटिस दे रहे हैं, ये बात भी गौर करने वाली है। अच्छा आप बताइए, गाना आपने सुना होगा, कैसा लगल गाना ये? देखिए गाना तो ठीक है, सामाजिक मुद्दा उठाती हो और उठाना भी चाहिए, सबको आज़ादी है। और इसमें यही कहेंगे कि उनको जो सरकार का अच्छाइयाँ उनको भी वो भी दिखाना चाहिए, एक तरफा नहीं बोलना चाहिए कि टू से लड़े नहीं है, एक पार्टी से बिलोंग करती हैं। हाँ, जो सरकार की अच्छाइयाँ उनको भी दिखाना चाहिए कि आज की डेट में मान लीजिए माफिया गिर खत्म हो गया, गुंडे जो बने हैं जेल में हैं, उनको भी अपने गाने के माध्यम से बताना चाहिए।
आप बताइए, आपने भी गाना सुना होगा नेहा सिंह राठौर का जो गाना है, इधर आप सामने आ जाइए, नेहा सिंह राठौर का जो गाना है यूपी में काबा सीजन 3, भैया बड़ा बवाल होता ऊपर, क्या कहते हो, इतना बवाल होके चाहिए क्या? नहीं, बवाल तो नहीं होना चाहिए। अब नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि यूपी में काबा, तो जो यूपी में होगा वही तो बोलेगी। अब उसमें किसी को आपत्ति हो रही है तो ये न्याय संगत नहीं है। और नेहा सिंह राठौर यूपी में GIS भी बा, तमाम तरह की चीज भी बा, लेकिन इतना बवाल है गाना पे काहे? बस यही है कि सरकार जो है लोगों की आवाज को दबाना चाहती है और तानाशाही रवैया अपना रही है, सबके लोगों की जबान बंद करा देगी और क्या करेगी। तो आपको ये गाना पसंद आया? बिल्कुल पसंद है। पूरा गाना सुना आपने? हाँ, मैंने सुना था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने आम लोगों से बातचीत की, जनता से बातचीत की, नेहा सिंह राठौर के गाने पे बातचीत की, और तमाम तरह के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने इसका सपोर्ट किया कि एक लोक गायिका होने के नाते वह समाज की कुरूतियों पर प्रहार करती हैं, समाज की कुरूतियों पर प्रहार करके वो एक अपना नजरिया व्यक्त करती हैं कि किस प्रकार से समाज में अभी भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि वो एक तरफा बात करती हैं, जबकि कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हैं, जबकि सरकार की अच्छाइयाँ उनको दिखाई नहीं देती है। बिहार में जन्मी है, उत्तर प्रदेश में पढ़ी लिखी है, उत्तर प्रदेश में ब्याह करके आई है, और इस प्रकार से अपने गानों से उत्तर प्रदेश का दुष्प्रचार कर रही है, उनको ये शोभा नहीं देता है। इस कवरेज में हमने आपको दिखाया कि तमाम लोगों ने ये बातें हमसे और आपसे कही। इस तरह की चीज़ों में जब लोक गायिका की बातों पे लगातार सवाल उठते हैं, उनकी गानों पे सवाल उठते हैं, साहित्यकारों के साहित्यों पे सवाल उठते हैं, तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या किसी साहित्यकार के, किसी कवि के रचनाओं पर इस तरह की नोटिस जारी होनी चाहिए या मुद्दा बनना चाहिए। ऐसे ही तमाम तरह के